कुछ दिन पूर्व रामपुरा थाना क्षेत्र में रवि राजपूत व उसकी मां का कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर के निर्मम हत्या कर दी थी। उसके पिता को भी हथियारों ने घायल कर दिया था। इस घटना से पूरे कोटा शहर में भय और आक्रोश व्याप्त हो गया था। वहीं राजपूत समाज ने इस घटना के पुरजोर रूप में निंदा की है। इस मामले में आज समस्त राजपूत समाज में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर परिवार को आर्थिक मदद और तुरंत न्याय की मांग की है। समाज के महिपाल सिंह ने बताया है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और बड़ी ही मुश्किल से अपना जीवन यापन वो कर रहे थे, लेकिन इस घटना से पूरे परिवार का संबल टूट गया है। राजपूत समाज भी अपने स्तर पर परिवार की मदद कर रहा है। इस घटना के शेष मुलजिमान को तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाने की मांग की है। हमने कुछ दिन पहले भी रामपुरा थाना क्षेत्र के एक घटना है जिसमें राजपूत समाज के रवि राजपूत और एक उसकी माताजी के साथ में जिस तरीके से बदमाशों ने घर में घुसकर पूरे कोटा के अंदर सबसे पहला ये जिस तरीके से उनके चाकूबाजी की है, उसमें माता भी घायल हुई थी, तो माताजी का 3 दिन बाद देहांत हो गया और उसके बेटे का उसी दिन मृत्यु घोषित कर दिया। उसको लेकर आज हमने एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन दिया है जिसमें मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए उससे मुख्यमंत्री से उनको सहायता मिले और उसमें ये हो। हमने उसको जितने भी मुलजिम हैं उनके वो पकड़े जाएं, जिसमें हमें बताया गया है कि 5 से 6 मुलजिम पकड़ लिए गए हैं, बाकी 1 दर्जन के लमसम उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं 12 के लमसम पे, तो पूरे मुलजिम पकड़ा में आए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और एक उनके जो चश्मे गवाह हैं उनके पिताजी उनकी सुरक्षा मिले, उनके साथ कोई घटना ना हो, उनकी गवाह होकर उनको न्याय मिले, उनके परिवार के साथ न्याय हो।